संतोष अलावत मेरा नाम है, इस धरती की बेटी हूँ और स्पेशली इस क्षेत्र की बेटी हूँ। मैं नेत्री नहीं हूँ, किसान की बेटी नेत्रिया नहीं बनती है। मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपकी हर बात पर खरा उतरूंगी के समक्ष, शहीद के समक्ष इस बात का प्रण लेती हूँ। मेरी जरूरत जिस किसान को पड़ेगी, मेरी जरूरत जिस महिला को पड़ेगी, इस शहीद परिवार को खड़ी पड़ेगी। संतोष अलावत प्राण देख लीजिएगा इससे, अगर एक बेटा और है तो सेना में भेजेगी और पोता है तो सेना में भेजेगी। हमारी माताएं डरने वाली नहीं है, वो कहती है कि मेरे तो एक ही पुत्र था, मेरे साथ होते तो मैं सातों को भारत की सेना में भेजती। ऐसी मेरी देती हूँ पुनः शहीद की माता जी के चरणों में प्रणाम करती, कहती हूँ कि आपका बेटा बेशक शरीर के साथ इस धरती पर चला गया लेकिन उसकी आत्मा अजर और कि शहीद की कलाई पे धागा बांधते समय बहन की आंखें झर रही थी। और जिस दिन शहीद का शरीर यहाँ आया होगा, अनुमान कीजिए, आपने सबने देखा होगा, जब वीरांगना ने अपनी मांग से सिंदूर पोंछा होगा, सच मान लिया आसमान बेटियों के कारण पैसा नहीं लगना चाहिए। इनका हम पद पर सहयोग करें, इनका ऋण हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना सारा है कि हम कभी चुका नहीं पाएंगे। एक मेरे भाई छोटे जो घोषणा कर रहे थे, भैया मैं इस झुंझुनू जिले की बेटी हूँ, मैं नेत्री नहीं हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करके आप चलेगी। मैं आना जाना तो लगा ही है, जो आया है धरती पर जाएगा, हम भी जाएंगे, लेकिन कहा गया है सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी। गौरवशाली महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उस धरती की बेटी हूँ जिसके कण कण में शौर्य बिखरा पड़ा है, जिसके कण कण में बहादुरी बिखरी पड़ी है। और माताएं जब पुत्रों को जन्म देती हैं उस समय कहती हैं कि हे मेरे बेटे, देश की सेवा के लिए जाना लेकिन पीठ पर गोली खा के मत आना। ऐसे अनेक शहीदों की अंत्येष्टियों में मैं गई हूँ, मुझे जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि एक भी शहीद का शरीर ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पे गोली लगी हो। ऐसे जाबाज हमारे लाडलों ने हमारे यहाँ के सैनिक भारत की सलाह में सबसे ज्यादा है। और शहादत की मैं अगर बात करूं तो हर गांव ढाणी में शहीद की मूर्ति वाई खड़ी है। और भाई और बहनों, शहीद कोई ऐसे बना नहीं जाता, अपने प्राणों का उत्सर्ग माँ भारती के लिए करना पड़ता है, तब जाकर कहीं शहीद बना जाता है। जिंदगी में आना जाना तो लगा ही है, जो आया है धरती पर जाएगा, हम भी जाएंगे, लेकिन कहा गया है सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है, सज्जन लोग एक ही बार बात कहते हैं और केला एक ही बार फलता है। तो जान तो एक ही बार देनी है लेकिन जो राष्ट्र के लिए जान कुर्बान करता है वो मरता कभी नहीं है, उसकी स्मृतियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, आपके और हमारे दिलों में दर्ज है। और जब भी कोई दर्शन निकलेगा इस रास्ते पर से, मैं कहूंगी कि एक बार इधर अपने हाथ जोड़कर शहीद की प्रतिमा को, शहीद की आत्मा को एक बार नमन जरूर करना, क्योंकि इनके ऋण के कारण ही आज हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। अखंड भारत की आरती उतारने के लिए मेरे देश के लाडले सेनाओं पे कुर्बान होते, जरा भी हिचकते नहीं। हमारे एक छोटा सा कांटा गड़ता है, मुंह से सत्कार निकलती है, सीने पे गोलियां खाना आसान बात नहीं। और जब शहीद की बॉडी आती है, इस पिता पे क्या गुजरी होगी, इस माता पे क्या गुजरी होगी। मैं देख रही थी, मेरे बराबर बैठी हुई माता कह रही थी कि जब ये 15 साल का था मेरा लाडला बेटा, तब इसने एक क्रिकेट का मैच आयोजित करवा दिया था। ऐसा एक खिलाड़ी, ऐसा एक विद्वान, और न जाने परिवार को कहां तक ले जाता। एक सूरमा, क्या बीती होगी उस बहन पर
मैं देख रही थी कि शहीद की कलाई पे धागा बांधते समय बहन की आंखें झर रही थी। और जिस दिन शहीद का शरीर यहाँ आया होगा, अनुमान कीजिए, आपने सबने देखा होगा, जब वीरांगना ने अपनी मांग से सिंदूर पोंछा होगा, सच मान लिया, आसमान में रोया होगा। ऐसा इस मंजर को याद करने के लिए, उनकी स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा रुकने का मन था, लेकिन चूरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुझे जाना पड़ेगा। पार्टी ने एक जिम्मा मुझे अभी दिया है और ये मंच कोई और बात करने की इजाजत नहीं देता। आज सिर्फ शहादत की बात करेंगे और मैं मंच का दुरुपयोग कभी नहीं करती हूँ। तो बहुत बातें और कभी करनी होगी तो फिर कभी करेंगे। एक हमारे पूर्व सैनिक और खिलाड़ी मुझे आदरणीय शुक्रण जी चौधरी साहब ने बताया, एमएलए साहब ने, कि सर पे फुटबॉल रखकर हाथ में तिरंगा लेकर ऐसे जाबाज लाडलों को मैं सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कुछ निवेदन मैं आयोजकों से करना चाहती हूँ, क्योंकि बाबूलाल जी मेरे छोटे भाई, इतने सारे मोमेंटो शहीद परिवार की तरफ से हमको दिलाकर अच्छा नहीं। शहीद परिवार के एक पैसा भी लगना नहीं चाहिए, हमको मोमेंटो देने की जरूरत नहीं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शहादत इन्होंने किया है, लाल इनका खोया है। तो आइंदा से शहीद परिवारों के मैं हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन कर रही हूँ, अतिथियों के कारण पैसा नहीं लगना चाहिए, इनका हम पद पर सहयोग करें। इनका ऋण हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना सारा है कि हम कभी चुका नहीं पाएंगे। एक मेरे भाई छोटे जो घोषणा कर रहे थे, भैया मैं इस झुंझुनू जिले की बेटी हूँ, मैं नेत्री नहीं हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करके आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, संतोष अलावत मेरा नाम है, इस धरती की बेटी हूँ और स्पेशली इस क्षेत्र की बेटी हूँ, मैं नेत्री नहीं हूँ, किसान की बेटी नेत्रियाँ नहीं बनती है। मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि आपकी हर बात पर खरा उतरूंगी। आज मेरे छोटे भाई के समक्ष, शहीद के समक्ष इस बात का प्रण लेती हूँ, मेरी जरूरत जिस किसान को पड़ेगी, मेरी जरूरत जिस महिला को पड़ेगी, इस शहीद परिवार को खड़ी पड़ेगी, संतोष अलावत प्राण झरे तक वहां खड़ेगी। और पूछ के देख लीजिएगा, इससे अगर एक बेटा और है तो सेना में भेजेगी और पोता है तो सेना में भेजेगी। हमारी माताएं डरने वाली नहीं है, वो कहती है कि मेरे तो एक ही पुत्र था, मेरे साथ होते तो मैं सातों को भारत की सेना में भेजती। ऐसी मेरी वीरांगना माता।